तो हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है डीप पेरिनियल स्पेस। और ये जो है बहुत ज़्यादा एक छोटा सा टॉपिक है। और जो डीप पेरिनियल स्पेस जो है, ये एक्चुअली में अपना कंटिन्यूएशन है पेरिनियल मेम्ब्रेन का। तो अगर आपने मेरी इसकी पार्ट वन वीडियो नहीं देखी है ये पेरिनियल मेम्ब्रेन के ऊपर, तो मैं आपको पहले ये रिकमेंड करूँगा कि ये आप वीडियो देख लें, क्योंकि जो डीप पेरिनियल स्पेस जो है ये एक्चुअली में इसी पेरिनियल मेम्ब्रेन के डीप में सिचुएटेड होता है। तो इसलिए स्पेस का भी नाम क्या है, डीप पेरिनियल स्पेस। तो आप क्या इसको पहले देख लीजिए, तो आपको उसके सारे कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएंगे। और इसका लिंक जो है मैं आपको आई बटन पे दे दूंगा। तो अगर आपने मेरी वीडियो देख रखी है तो आपको पूरा कंसेप्ट है ना ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। और इसके ऊपर क्या है, यूनिवर्सिटी में एक शॉर्ट नोट भी लिखने के लिए आता है। तो मैं आपको ये भी बताऊँगा कि किस तरीके से यूनिवर्सिटी में लिख के आना है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स इस पर मिल पाए। तो सबसे पहले अपन शुरू करते हैं कि जो डीप पेरिनियल स्पेस जो है ये एक्चुअली में आपका सिचुएटेड कहाँ होता है। तो मैंने आपको पेरिनियल मेम्ब्रेन की जो वीडियो थी मैंने आपको उसमें भी बताया था, मैं आपको फिर से रिवाइज करवा देता हूँ कि क्या रहता है। ये क्या है, ये अपना इन्फीरियर सरफेस है अपने पेल्विस का, मतलब जो पेल्विस जो होती है ना उसका इन्फीरियर सरफेस। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी ना, वो आप वीडियो देख लो, क्योंकि मैंने उसमें आपको 3D मॉडल में समझाया था मेरे फ़ोन से, तो आपको क्या सब कुछ इमेजिन होगा अच्छे से। तो मैं अभी जल्दी से इसको रिवाइज करवा देता हूँ। अपन ने क्या पढ़ा था, पेल्विस का जो इन्फीरियर सरफेस जो होता है उसको अपन दो ट्रायंगल में डिवाइड कर देते हैं। एक होता है इंटीरियर ट्रायंगल, उसको बोलते हैं यूरियोजेनिटिकल ट्रायंगल, और एक रहता है इन्फीरियर ट्रायंगल जिसके अंदर एनाल ओपनिंग होती है, इसलिए अपन उसको बोलेंगे एनाल ट्रायंगल। अगर आप इस साइड में देखें, साइड वाले डायग्राम में, तो आपको आराम से दिख पा रहा होगा कि जो यूरियोजेनिटिकल ट्रायंगल जो है ये एक्चुअली में क्या है, ये आपका हॉरिजॉन्टल है, वही एनाल ट्रायंगल हल्का सा आपका ऐसा ओब्लिक है। तो ये जो है, तो इसी यूरियोजेनिटिकल ट्रायंगल में क्या प्रेजेंट रहता है, अपना प्रेजेंट रहता है पेरिनियल मेम्ब्रेन। तो अगर मैं ये वाला आपको दिखाऊं डायग्राम, तो ये जो ऊपर वाला है ये फीमेल का है, ये नीचे वाला मेल का है। तो ये एंटीरियर में ये क्या है, ये जो ट्रायंगल है ये है आपका यूरियोजेनिटिकल ट्रायंगल, और इन्फीरियर में ये जो ट्रायंगल है ये है अपना एनाल ट्रायंगल, क्योंकि इसके अंदर एनाल ओपनिंग। तो जो एंटीरियर में जो यूरियोजेनिटिकल ट्रायंगल है उसके अंदर आपकी प्रेजेंट रहती है पेरिनियल मेम्ब्रेन, और इसी पेरिनियल मेम्ब्रेन के डीप में सिचुएट रहता है आपका डीप पेरिनियल स्पेस। तो अगर आप इस डायग्राम में भी देख पा रहे हो, ये जो ऊपर वाला जो डायग्राम है ये है एक्चुअली में फीमेल का, ये है फीमेल का डीप पेरिनियल स्पेस, ये है मेल का डीप पेरिनियल स्पेस। तो डीप पेरिनियल स्पेस आपका कहाँ रहता है, ये क्या है, ये है अपनी पेरिनियल मेम्ब्रेन। तो पेरिनियल मेम्ब्रेन के डीप में आपका सिचुएटेड रहता है डीप पेरिनियल स्पेस। और पेरिनियल मेम्ब्रेन अपनी कहाँ पर रहती है, पेरिनियल मेम्ब्रेन अपनी रहती है यूरियोजेनिटिकल ट्रायंगल में, जो कि आपका इंटीरियर में प्रेजेंट होता है। और अगर अपन देखें कि जो पेरिनियल मेम्ब्रेन जो है ये कैसी है, जो पेरिनियल मेम्ब्रेन जो है ये अपने ट्रायंगुलर शेप की, अपन ने क्या देखा था पार्ट वन वीडियो में कि पेरिनियल मेम्ब्रेन अपनी ट्रायंगुलर शेप होती है। तो जो डीप पेरिनियल स्पेस जो है ये एक्चुअली में क्या है, इसने इस तरीके से रखा है कि ये इसका इंटीरियर है, ये पोस्टीरियर है। तो ये डीप पेरिनियल स्पेस है ना, तो पेरिनियल मेम्ब्रेन जो है इसके ऊपर, जस्ट ऊपर आपका प्रेजेंट है डीप पेरिनियल स्पेस। तो उसको अगर मैं बिल्कुल आपको बताऊं, नीचे से अगर मैं ले जाऊं, सबसे नीचे एकदम क्या होगा, यहाँ पे बताता हूँ। सबसे पहले आपके आएगी, देखो ऐसा होता है कि पहले आएगी स्किन, तो ये आपकी है स्किन, ठीक है। सबसे नीचे क्या है, स्किन, देन स्किन के बाद है सुपरफिशियल फेशिया, ठीक है। देन सुपरफिशियल फेशिया के बाद यहाँ पे एक स्पेस रहती है, एक और स्पेस है, ठीक है। देन उस स्पेस के बाद आपकी प्रेजेंट रहती है पेरिनियल मेम्ब्रेन, ओके। देन इस पेरिनियल मेम्ब्रेन के डीप में जो स्पेस है उसको अपन बोलते हैं डीप पेरिनियल स्पेस। तो डीप पेरिनियल स्पेस, और ये वाली जो स्पेस थी जो पेरिनियल मेम्ब्रेन के नीचे थी उसको बोलते हैं सुपरफिशियल पेरिनियल स्पेस। अब जो सुपरफिशियल पेरिनियल स्पेस जो है ये एक्चुअली में इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, इसलिए अपन इसको डिटेल में नहीं देखते। लेकिन डीप पेरिनियल स्पेस में अगर आप देख पा रहे हो ये क्या है, कुछ मसल प्रेजेंट है इसलिए अपन ये देख रहे हैं। तो आप बिल्कुल अपने क्या मेन चीज़ होती है, कंसेप्ट अपने ना कंसेप्ट मत बिगाड़ो। तो मेन चीज़ होती है कंसेप्ट, बिल्कुल ना अगर आप पढ़ रहे हो ना तो बिल्कुल अच्छे से कंसेप्ट बना के पढ़ा करो। और इसलिए मैं तुमसे बोल रहा हूँ कि तुम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं पहले ही इसमें अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब और थोरैक्स जो है अपलोड कर चुका हूँ। आपको लिंक आई बटन में मिल जाएगा, तो वहाँ पर जाके आप सारी की सारी ये वीडियो देख सकते हो। अगर आपने नहीं देखी तो मैंने हर वीडियो को अच्छे से डिटेल में समझाया है, एक एक कंसेप्ट बताए हैं, और मैंने सारे IMP टॉपिक में उसमें कवर करे हैं। पेल्विस में भी अपन सब कुछ अच्छे से कवर करेंगे, फिर अपन करेंगे एब्डोमेन, फिर हेड एंड नेक, फिर एम्ब्रियोलॉजी। तो पूरा का पूरा जो है मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा, इसलिए आप सबसे पहले मेरे जो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लो, ताकि सारी वीडियो जो है सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो मैं आपको फिर से बताता हूँ, सबसे पहले आएगी स्किन, सबसे पहले होगी स्किन, तो सबसे पहले आपकी होगी स्किन, फिर सुपरफिशियल फेशिया, फिर सुपरफिशियल पेरिनियल स्पेस,
फिर पेरेनियल मेम्ब्रेन, और इसी पेरेनियल मेम्ब्रेन के अंदर आपको सिचुएटेड है डीप पेरेनियल स्पेस। तो ये अपने आगे डीप पेरेनियल स्पेस। तो अपन देखें डेफिनेशन क्या है डीप पेरेनियल स्पेस की, कि थिन स्पेसेस है आपकी यूरियोजेनेटिकल रीजन में, मैंने आपको बताया था ना वो ट्राइंगल उसमें है, देन सिचुएटेड कहाँ होता है डीप टू पेरेनियल मेम्ब्रेन, पेरेनियल मेम्ब्रेन की डीप में सिचुएटेड है। देन अपन देखें इसकी बाउंड्री, तो किसके सुपरफिशियल है ये डीप पेरेनियल स्पेस, किसके सुपरफिशियल है पेरेनियल मेम्ब्रेन के। देन ईस्ट साइड, इसके दोनों तरफ क्या होगा, इसके दोनों तरफ होंगे आपकी इश्योप्यूबिक रामस। अगर मैं इस डायग्राम में भी दिखाऊं तो पेरेनियल मेम्ब्रेन के दोनों साइड क्या रहता है इश्योप्यूबिक रामस, तो इसके ईस्ट साइड होगा आपका इश्योप्यूबिक रामस। देन अपन देखते हैं कंटेन, तो यार कंटेन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं क्या इसको तुम्हें ट्रिक बताता हूँ याद करने की, वरना तुम क्या है सब कुछ रटते रह जाऊंगा फिर कोई मतलब नहीं रहेगा। तो यार इसकी ट्रिक ये है याद करने की, जो पेरेनियल मेम्ब्रेन जो है, जो उसके अंदर जो आर्टरी और नर्व के जो कंटेन रहते हैं ना, वही सेम टू सेम कंटेन आपके होंगे डीप पेरेनियल स्पेस के। और सिर्फ क्या रहेगा डीप पेरेनियल स्पेस में आपके एडिशनल में कुछ मसल और जुड़ जाएंगी, बाकी सेम कंटेन रहेंगे आपके पेरेनियल मेम्ब्रेन के। तो उसमें होगा क्या कि आपको क्या दो दो अलग अलग याद नहीं करने पड़ेंगे कि डीप पेरेनियल मेम्ब्रेन स्पेस के भी कंटेन याद करूँ, पेरेनियल मेम्ब्रेन के भी याद करूँ। आप क्या करो सिर्फ एक मेम्ब्रेन के याद कर लो, उसके बाद जो मेम्ब्रेन पे हैं उसके आर्टरी वेन और नर्व लिख देना, उसके एडिशनल में आप मसल और लिख देना। तो आपको क्या इससे आपको बहुत ज़्यादा स्मार्ट स्टडी हो जाएगी, तो बे मतलब मैं तुम क्या लोड मत लिया करो तो उसकी, ठीक है। तो अगर मैं तुम्हें बताऊँ सबसे पहले अपन देखें मेल में, तो मेल का ये वाला है, तो आपको एक ट्यूब दिख रही होगी मेल में। मेल में क्या होगा सिर्फ एक ही ओपनिंग होती है, उसको अपन बोलते हैं यूरेथ्रा ओपनिंग। तो मेल में आपको ये जो पेरेनियल डीप पेरेनियल स्पेस है उसमें एक ओपनिंग दिखेगी जो कि आपकी है यूरेथ्रा ओपनिंग। वही फीमेल में अपन देखें तो यहाँ पर दो ओपनिंग है, एक आपके यूरेथ्रा और एक वेजाइनल ओपनिंग। और अगर आपको 3D में इमेजिन नहीं हो रहा हो तो आप मेरी पार्ट 1 वीडियो फिर से देख लो, मैंने उसमें क्या 3D मॉडल में समझाया था ये सारी ओपनिंग सब कुछ, तो आपको क्या अच्छे से इमेजिन हो जाएगा। देन फिर अपन देखते हैं मसल, तो मसल जो है ना यार मेल के अंदर सिर्फ दो मसल रहती हैं, एक है डीप ट्रांसवर्स पेरेनियल मसल, ये जो पूरी मसल जो दिख रही है ना आपको ट्रांसवर्स में, उसको बोलते हैं डीप ट्रांसवर्स पेरेनियल मसल। देन इस मसल को अपन ने क्या इस साइड में कट करके दिखाया है ताकि आपको स्पेंटर दिख पाए, तो ये स्पेंटर कौन सा है, यह आपके यूरेथ्रा है उसके एक्सटर्नल में है, तो ये एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्पेंटर। तो यहाँ पे क्या होती हैं दो मसल रहती हैं मेल में, एक डीप पेरेनियल, एक डीप ट्रांसवर्स पेरेनियल मसल, दूसरी एक्सटर्नल यूरेथ्रा स्पेंटर। उसको याद करने के लिए तुम जिंगल बना लो DS, डी से आप कर देना डीप ट्रांसवर्स, एस से आपका स्पेंटर ऑफ यूरेथ्रा, तो ये जिंगल हो गया अपने। देन फिर अपन देखते हैं फीमेल में, तो फीमेल में क्या होंगी वो दो मसल तो रहेंगी रहेंगी डीप ट्रांसवर्स और स्पेंटर, उसके अलावा यहाँ पे दो और मसल आ जाती हैं। तो क्या एक मसल एक्स्ट्रा आ जाएगी, वो जो मसल है वो आपकी कंप्रेसर ऑफ यूरेथ्रा, तो एक पूरी मसल देख रहे हो ये आपकी है कंप्रेसर ऑफ यूरेथ्रा मसल। उसके अलावा यहाँ पे एक और स्पेंटर आ जाता है ये वाला, उसको बोलते हैं यूरेथ्रा वेजाइनल स्पेंटर, वेजाइना है तो वेजाइना के लिए भी एक स्पेंटर होगा, तो वह यूरेथ्रा वेजाइनल स्पेंटर। तो आपको बस इसी तरीके से जिस सीक्वेंस में मैंने आपको कंटेंट दे रहा हूँ ना मेरे नोट्स, उसी सीक्वेंस में आपको क्या यूनिवर्सिटी में लिख के आना है। तो सबसे पहले अपन देखें इसके कंटेनमेंट ट्यूब, मेल में क्या है यूरेथ्रा, फीमेल में दो ट्यूब यूरेथ्रा वेजाइना। फिर मसल देखें तो मेल के अंदर दो मसल हैं DS डीप ट्रांसवर्स मसल और एक स्पेंटर ऑफ यूरेथ्रा। वहीं फीमेल में दो और मसल आ जाती हैं, एक कंप्रेसर यूरेथ्रा, दूसरा स्पेंटर ऑफ यूरेथ्रा वेजाइनल। उसके बाद नर्व, तो नर्व यार वही नर्व, मैंने आपको क्या बताया नर्व और वेसल को याद करने का तरीका जो पेरेनियल मेम्ब्रेन में थी ना वही लिख दो। तो पेरेनियल मेम्ब्रेन में कुल मिलाकर मैंने दो नर्व देखी थी, एक डॉर्सल नर्व ऑफ पेनिस, दूसरी डॉर्सल स्क्रोटल नर्व। वहीं फीमेल में पेनिस नहीं होगा तो उसकी जगह आप क्या कर देना डॉर्सल नर्व ऑफ क्लाइटोरिस। वहीं स्क्रोटम सैक तो होता नहीं है तो वहाँ पर अपन कहते थे पोस्टीरियर लेबियल नर्व, तो सेम वो दो नर्व हैं। देन वेसल में भी बिल्कुल सेम हो जाएगा, मेल के अंदर अपन ने सबसे पहले देखी थी डॉर्सल आर्टरी ऑफ पेनिस, फिर आर्टरी ऑफ बल्बस पेनिस, फिर पोस्टीरियर स्क्रोटल वेसल। वहीं मेल में पेनिस नहीं था तो क्या कर रहा था क्लाइटोरिस, तो डॉर्सल आर्टरी ऑफ क्लाइटोरिस। फिर यहाँ पे क्या होता है बल्ब ऑफ पेनिस होता नहीं है तो अपन करते हैं आर्टरी टू बल्ब ऑफ वेस्टिबुल, और यहाँ पे अपन ने स्क्रोटल की जगह कर दिया था लेबियल, तो पोस्टीरियर लेबियल आर्टरी। तो सेम टू सेम यहाँ पे वेसल है। उसके अलावा एडिशनल में ग्लैंड और लिखा है कि मेल के अंदर क्या होता है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, भी आपका डीप पेरेनियल स्पेस में ही प्रेजेंट रहता है। वहीं फीमेल में कोई भी ऐसा ग्लैंड नहीं होता तो आप लिखोगे नो ग्लैंड। तो अब मैं आपको बताता हूँ उसको यूनिवर्सिटी में किस तरीके से लिख के आना है। तो यार जिस कंटेन में मैं तुम्हें दे रहा हूँ ना, तो
यार जिस कंटेन में मैं तुम्हें प्रोवाइड करवा रहा हूँ ना, ये एक सफिशियंट कंटेन है आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में लिखने के लिए। तो यूनिवर्सिटी में आपको क्या मेन होता है, हेडिंग में और सीक्वेंस में लिखना है, यानी उसमें आपने क्वांटिटी क्वांटिटी भर दी, मेन है क्वालिटी। आप क्वालिटी लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे, काम की चीज़। तो आप पहले हेडिंग डालोगे डीप पेरेनियल स्पेस, फिर आप डेफिनेशन की हेडिंग डालोगे, फिर पूरी इसकी डेफिनेशन लिखना, देन बाउंड्री डाल के इसकी दोनों बाउंड्री लिखना, देन कंटेन लिखना, और कंटेन में दोनों मेल अलग फीमेल अलग बना के इसके सारे कंटेन आप लिख देना। और जब आप उसको लिखोगे ना, तो ये आराम से आपका एक पेज में लिखा जाएगा। एक शॉर्ट नोट के लिए इतना काफ़ी होता है। तो अगर आपको मेरी इस वीडियो से हेल्प हुई हो तो मेरी इस वीडियो को आप करें लाइक, और मेरे चैनल को आप कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि मैं इसमें सारे के सारे टॉपिक में लाने वाला हूँ। और अगर आप और अपनी जो नेक्स्ट वीडियो है ना यार, वो अपनी है इश्यो रेक्टल फोसा के ऊपर। और मैं बता दूँ, अगर एग्जामिनर का अगर सबसे कोई फेवरेट फोसा होता है ना बॉडी पे, तो आपका इश्यो रेक्टल फोसा ही है। मतलब उस पर तो अगर पेल्विस में पेल्विस आ रहा है आपको पीसीटी सेशनल या यूनिवर्सिटी में तो आना ही है, तो उसमें जो है इश्यो रेक्टल फोसा पे तो आना ही आना है। एक पूरा शॉर्ट नोट तो अपन पूरा इश्यो रेक्टल फोसा समझेंगे। और उसमें क्या होता है, वो क्यों देता है एग्जामिनर, क्योंकि वो आसानी से इमेजिन नहीं होता इश्यो रेक्टल फोसा। फिर क्या बच्चे करते हैं, बच्चे उसको रेटल लेते हैं। लेकिन मैंने क्या तुम्हारे लिए इसके लिए छोटा सा इश्यो रेक्टल फोसा का मॉडल भी बनाया है, देन अपन 3D में भी देखेंगे मेरे ऐप से, ताकि आपको पूरा अच्छे से इमेजिन हो जाए। तो आप मेरे चैनल को कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि इसमें जो है इश्यो रेक्टल फोसा की वीडियो आने वाली है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।